ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರು ಏಕ ಏಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇ ಜೋ ಹರ್ ಏಕ ಕೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೋತೆ ಹೇ. ಆಜ್ ಮೇ ಉಸ್ ಗುರು ಕೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮೇ ಖಡಿ ಹೂಂ ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ಹಮೇಶಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಔರ್ ಸಬೂರಿ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಚಲನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬೋಲ್ತೆ ಥೆ. ಉಬೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಔರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಮೇ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ಉಪದೇಶ ದೇತೆ ಥೆ. ಧನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್, ಕಿತ್ನಾ ಸುಂದರ್ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ. ಓಂ ಸಾಯಿ ರಾಮ್. ಮೇ ಆಶ್ರಯ ಸಾಯಿ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಸಾಧಾ ಸಬೂರಿ ಟಿ ವಿ ಕೋ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೂಂ. ಮೇ ಆಜ್ ಉಡಿಸ್ಸಾ ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಪುರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಖಡಿ ಹೂಂ. को शिरडी में स्थित शिरडी साईं बाबा की महासमाधि को 100 साल की पूर्ति होने वाला है. इस सुनहरे अवसर में इस मंदिर को शिरडी में पालकी यात्रा करने के लिए अपूर्व अवसर मिला है. इस पालकी यात्रा में योगदान देने के लिए यहां से 200 से भी ज़्यादा भक्तगण पालकी के साथ जा रहे हैं. आइए इस यात्रा के बारे में इस मंदिर के मुख्य पंडित जी श्रीमान सुदर्शन दास जी से कुछ जानते हैं. ओम सायम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज धीराज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज. मैं चंद्रशेखरपुर हाउसिंग बोर्ड शिरडी साई मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ. हमारे मंदिर के लगभग 250 लोग आने वाले 18 तारीख को शिरडी जा रहे हैं. बाबा जी के महासमाधि 100 पूर्ति के अवसर पर हम वहाँ पालिंग निकालेंगे और कम से कम 250 लोग जा रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए. हम चाहते हैं आप लोग भी वो पालिंग में शामिल हो जाइए. और हम 18 तारीख को निकलेंगे यहाँ से भुवनेश्वर से, 19 तारीख को शिरडी में पहुँचेंगे और 20 तारीख को सुबह 8 बजे खंडवा मंदिर से पूजा होगा बाबा जी का पालकी का. और कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा का हम पालकी का प्रोग्राम रखे हैं, पालकी करेंगे. और 21 तारीख को बाबा जी के महासमाधि पर हम वहाँ भजन संध्या और कुछ मतलब बाबा के महासमाधि के अवसर पर हम कुछ ध्यान करेंगे वो मंडप पे, उसी का भी प्रोग्राम रखा गया है. और 22-23 को जो आसपास जितना जगह है, शनि मंदिर हुआ और औरंगाबाद हुआ, इस जगह घूमने को भी हम प्रोग्राम रखे हैं. हम सोचते हैं बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर भी बने रहे और आप लोगों के ऊपर भी बने रहे, इसलिए हम सबको निमंत्रित करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए और शिरडी में बाबा जी की पालकी में योगदान दीजिए. क्या आप चंद्रशेखरपुर से जाने वाली भक्तों में से एक हैं?
अगर बाबा जी बुलाए तो इनके साथ जाने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। आप कितना खुश और उत्सुक है इस आश्रम में जाने के लिए? मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं बाबा जी मेरा चरण है, अगर उनसे शिरडी धाम में मिल सकूँ ये तो मेरा बहुत बड़ा नसीब है। अगर बाबा जी बुलाए तो मैं तो हमेशा तैयार हूँ। और ये तो पाली जाता है और मेरे बच्चों के साथ मेरे बाबा जी से मिलने और नहीं चाहेंगे। अब मैं इस मंदिर के महिला मंडली के साथ हूँ। आइए अब हम जानते हैं कि ये सब इस यात्रा को लेके कितना खुश और कितना उत्साहित है। मैम आप कितना उत्साहित है इस यात्रा को लेके? तो बहुत खुशी अच्छी। ये मंदिर आसला दिन ठारू मोर जीवा को बहुत इच्छा थिला। बहुत थर मु नना को भी कही नना आम लेडीज मानकर प्रोग्राम करूँ आम जीवु आउ थे जाइले किंतु बाबा दया हलानी मुझ जापारिनी एथर जाऊँगी। बहुत खुशी बहुत जय सारे। आप कितना खुश है? बहुत खुश अच्छी। बाबा डोरी तो लगी जी को 18 तारीख केवे हम से दिन को अपेक्षा करूँ। दुई तीन मसर अपेक्षार अंत पर 18 तारीख आसबु आम जीव शिरडी। धन्यवाद। क्या आप भी खुश है इस यात्रा को लेके? बहुत खुशी अच्छी। कितना खुश है? बहुत खुश है। धन्यवाद। आप कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है। मु बहुत दिन रो अपेक्षा करथली जीवा पई की एवं मु सेई दिन को अपेक्षा करी छी आउ बहुत दिन रो भी अपेक्षा करथली जाईथली भी मु किंतु मोर एटा भी सेकंड टाइम किंतु मते जते भी डाकिले जेबी भी डाकिले भी मु जीवी कारण मु बाबा पई बहुत एक्साइट आ बाबा पई बहुत जीवा पई की इच्छुक हूं। धन्यवाद। क्या आप भी बहुत उत्साहित और खुश है? हां मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं जाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहले से बहुत इच्छा थी मेरे जाने के लिए शिरडी। तो ये प्रोग्राम हो रहा है तो मेरे को बहुत खुश लग रहा है। तो अच्छा लगेगा सब मिलके जाने के लिए। साईराम सब मिलके बोलिए साईनाथ महाराज की। आज मैं इस मंदिर के ब्रह्मर्ष मंडली के साथ हूँ जो हमें सब बाबा के सेवा के लिए तैयार रहते हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। साईराम, क्या आप लोग इस पालकी यात्रा में जा रहे हैं? जी हाँ हम जरूर जा रहे हैं इस पालकी यात्रा में। आप लोग इस यात्रा को लेकर कितना खुश और उत्साहित है? बहुत खुश है, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद साईराम। पहली बात तो ये हम लोग ये शिरडी यात्रा के लिए बहुत उत्सुक है और हमारे सभी भाई लोग बहुत एक्साइटेड है शिरडी यात्रा। पिछली बार भी हम गए थे और वहाँ पर भी धमाल मचा के आए थे बाबा के लिए और इस बार भी जाएंगे और फुल बवाल मचा के आएंगे। शिरडी गूंजेगा सिर्फ हमारे हाउसिंग बोर्ड के साईं मंदिर के नाम से ही शिरडी गूंजेगा। जैसे कि आप देखे और सुने इस पालकी यात्रा को लेके बाबा के भक्तगण अत्यंत उत्साहित और खुश है। यह यात्रा खंडवा मंदिर से निकलते हुए बाबा के समाधि मंदिर तक होगा। आप भी आइए और खंडवा मंदिर से इस पालकी यात्रा में योगदान कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए श्रद्धा सबूरी टीवी। मैं ऐश्वर्या साई भुवनेश्वर से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ श्रद्धा सबूरी टीवी।